मीडिया सारी अंधी है क्या? जाके वो दिया हुआ कोर्ट में जाके चेक कीजिए ना आप लोग, जाके क्यों नहीं चेक कर रहे? क्यों नहीं चेक कर रहे? लेकिन आदिल भाई बोले थे कि 10 दिन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 10 दिन में मेरी इज्जत वापस आ जाएगी क्या? इंडियन डांसर और एक्ट्रेस राखी सावंत हमेशा चर्चा में रहती हैं। मीडिया और इंडस्ट्री में राखी की अलग तरह की पहचान है। आज राखी जितनी फेमस है वो उनका लक नहीं बल्कि उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब राखी को खाना भी नसीब नहीं होता था। इतना ही नहीं, राखी की जिंदगी से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो राखी की चाइल्डहुड से लेकर मैरिज लाइफ तक की पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। 25 नवंबर 1978 को मुंबई में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम नीरू बीड़ा रखा गया। जी हाँ दोस्तों, राखी सावंत का पहले नाम नीरू बीड़ा ही था। लेकिन जब राखी के पहले पिता ने राखी की माँ को छोड़ दिया तब राखी की माँ ने आनंद सावंत नाम के एक पुलिस कांस्टेबल से अपनी शादी कर ली। राखी की माँ होस्टल में आया का काम करती थी और राखी सावंत उस टाइम चोल में रहा करती थी जहाँ पे लड़कियों को अलग नजरिए से देखा जाता था। वहाँ के कायदे और कानून बेहद सख्त थे। जब वहाँ के माँ बाप काम करने जाया करते थे तो अपने बच्चों को कमरों में बंद करके जाया करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि राखी के घर खाने को कुछ नहीं होता था और पड़ोसी जो खाना फेंकते थे राखी वही खा लेती थी। अब राखी बड़ी हो रही थी और वो बाकी बच्चों की तरह जिद करने लगी कि मुझे भी और बच्चों की तरह स्कूल जाना है। राखी की माँ ने राखी का एडमिशन तो करा दिया था लेकिन वो टाइम पे फीस नहीं भर पाती थी। राखी को बचपन से ही डांस करने का बहुत ज्यादा शौक था और उनकी ये चाहत थी कि वो टीवी पर दिखे, लेकिन उस चोल में रहकर सपने देखना भी गुनाह था। राखी जब भी डांस किया करती उसके माँ बाप उसको बहुत मारा करते। राखी सपने देख रही थी हीरोइन बनने के, लेकिन राखी के माँ पापा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो एक हीरोइन बने। एक दिन राखी ने अपने माँ पापा के कुछ पैसे चोरी किए और घर से भाग गई और कुछ लड़कियों के साथ किराए के मकान में रहने लगी। राखी जहाँ भी ऑडिशन देने जाया करती थी वहाँ उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता। उन्हें ये कहकर दूर कर दिया जाता था कि तुम कुछ नहीं कर सकती, ना तुम्हारी शक्ल अच्छी है और ना ही तुम्हारी अकल अच्छी है। राखी इन रिजेक्शन के बाद बिल्कुल भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उन्होंने इन रिजेक्शन के बाद डांस सीखना शुरू कर दिया था। राखी कभी कभी अकेले बैठ के सोचा करती कि कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती है। उस वक्त राखी को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन राखी ने उस वक्त हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी। लेकिन राखी ने ये ठान लिया था कि मुझको अपनी पहचान जरूर बनानी है ताकि पापा भी सामने से आकर ये कह सके कि मेरा बॉलीवुड में जाने का फैसला बिल्कुल सही था। बहुत मेहनत करने के बाद राखी को फिल्म अग्निचक्र में काम करने का मौका मिला, जिसके बाद राखी को कई फिल्मों में आइटम सॉन्ग करने के लिए चुना गया, जैसे जिस देश में गंगा रहता है, जोरू का गुलाम, ये रिश्ते हैं मोहब्बत को। लेकिन राखी को अपने करियर का सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्होंने सॉन्ग मोहब्बत है मिर्ची के 4 बार ऑडिशन में उनको सेलेक्ट कर लिया गया, जिसके बाद राखी ने बड़ी बड़ी फिल्में मस्ती, मैं हूं ना में छोटे छोटे रोल किए। इन फिल्मों को करने के बाद राखी की पहचान बढ़ने लगी और इनकी फ्रेंड फॉलोइंग भी बढ़ने लगी। फिर राखी का एक रिमिक्स सॉन्ग परदेसिया रिलीज हुआ जिसने बॉक्स ऑफिस पे कई सॉन्ग के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद राखी सावंत को कॉफी विद करण में भी बुलाया गया। उसके बाद राखी काफी फेमस हो गई और फिर उन्होंने अपने चैट शो की शुरुआत की जिसका नाम था द राखी सावंत शो और कई बॉलीवुड गेस्ट जैसे आमिर खान और शिल्पा शेट्टी। साल 2006 की बात है जब राखी पहली बार कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बनी। दरअसल मीका सिंह ने अपने बर्थडे पार्टी पे राखी सावंत को जबरदस्ती पकड़ कर किस कर लिया था, लेकिन मीडिया की नजरों से वो नहीं बच सके और राखी सावंत ने मीका सिंह पर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। उसके बाद राखी सावंत कॉन्ट्रोवर्सियल शो बिग बॉस का भी हिस्सा रही और उन्होंने कई कॉन्ट्रोवर्सियां की और ड्रामा किया, लेकिन 4 हफ्तों बाद वो एलिमिनेट हो गई। कुछ दिनों बाद राखी की वाइल्ड कार्ड से बिग बॉस के घर में फिर से एंट्री हुई और वो इस सीजन टॉप 4 में भी पहुंची थी। उस टाइम राखी अभिषेक अवस्थी के साथ रिलेशनशिप में थी। राखी सावंत ने अभिषेक अवस्थी के साथ नचबलिए सीजन 4 में पार्टिसिपेट किया और वो फर्स्ट रनर अप भी रहे। राखी और अभिषेक ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया जिसके बाद किसी कारण की वजह से दोनों अलग हो गए। साल 2018 राखी के लिए मोस्ट कंट्रोवर्शियल साल साबित हुआ
क्योंकि एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने मीटू मूवमेंट में नाना पाटेकर का नाम ले दिया। वहीं राखी सावंत ने नाना पाटेकर को सपोर्ट किया। राखी ने अपने बयान में कहा कि तनुश्री दत्ता लेस्बियन है और वो नाना पाटेकर को पसाना चाहती है। उस टाइम राखी काफी सुर्खियों में रही। उस टाइम राखी का एक और शो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था जिसमें उन्होंने अपना स्वयंवर रखा था। हालांकि ये स्वयंवर केवल टीआरपी के लिए था, वहाँ उन्होंने किसी से भी शादी नहीं की थी। एक टाइम राखी दीपक कलाल के साथ भी रिलेशनशिप में आ गई। वहीं उन्होंने मीडिया के साथ बातें करते हुए अपनी शादी का भी ऐलान किया। इसके साथ ही राखी ने लाइव स्वागत का ऐलान किया था। हालांकि लोग सोच रहे थे कि राखी ये सब मीडिया अटेंशन और टीआरपी पाने के लिए कर रही है। और फिर साल 2019 में अचानक राखी ने बिजनेसमैन और एनआरआई रितेश से शादी कर ली और फिर दोनों ही 2020 में बिग बॉस 14 में नजर आए। धीरे धीरे इनके रिश्ते में दरार आने लगी और 2022 में ये दोनों अलग हो गए और हाल ही में राखी ने आदिल को डेट करना शुरू कर दिया था। हालांकि राखी बिग बॉस मराठी में नजर आ रही थी, लेकिन उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण राखी बिग बॉस के घर से बाहर आ गई और हॉस्पिटल में ही अपनी माँ के साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बहुत ज्यादा रो रही थी। राखी ने बताया कि उनकी माँ को कैंसर है जिस वजह से वो हॉस्पिटल में है। इसी के साथ राखी ने अपनी शादी का भी खुलासा किया कि उनकी और आदिल की शादी भी हो चुकी है। सबूत के तौर पर उन्होंने फैंस के साथ शादी किए हुए फोटोज भी शेयर किए जिसमें वो आदिल से शादी कर रही थी, साथ ही वो वरमाला भी पहने हुए थे। उसके बाद जब मीडिया वालों ने आदिल से शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद कई लोग उन फोटोज को फेक भी बताने लगे। राखी को इन सब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी जिस वजह से उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया और राखी काफी टूटी हुई भी नजर आई। वो बोल रही थी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, सारे मेरे शादी के प्रूफ दिए हैं मैंने, सब कुछ असली है, मीडिया सारी अंधी है क्या, जाके वो दिया हुआ कोर्ट में जाके चेक कीजिए ना आप लोग, जाके क्यों नहीं चेक कर रहे, क्यों नहीं चेक कर रहे। 10 दिन में मेरी इज्जत वापस आ जाएगी क्या? राखी जी ऐसा क्या लगता है क्या होगा? 10 दिन में इज्जत वापस आ जाएगी। राखी जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होगा, आपके तरफ से क्या कुछ बोलने वाले हो आप? गई हुई इज्जत वापस आ जाएगी क्या? क्या कर रहा है, लाइट कवर हो गया मेरा, माँ मेरी बेहोश है हॉस्पिटल में, बिग बॉस से बाहर आने के बाद एक बार भी चैन से सोई नहीं हूँ मैं, माँ को देखूँ के ये सब प्रॉब्लम्स देखूँ मैं, मेरे कोई नहीं इस दुनिया में। तो फ्रेंड्स ये थी लाइफ स्टोरी राखी सावंत की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। इसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।